कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि जब ओजो दृष्टि होती है, हम लोगों का सप्त धातुओं का सार भाग ओज है और ओज को बहुत ज्यादा आयुर्वेद में महत्व दिया गया है। जितना भी हमारा बॉडी का इम्यूनिटी है या फिर व्याधि क्षमता है वो ओज पे ही टिका हुआ रहता है, लेकिन जब वो ओज की ही दृष्टि हो जाती है तो बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम आया था तो जिनका ओज जो था वो क्षय हुआ था तो या ओज की दृष्टि थी वो लोग को मृत्यु तक हो गया। तो हमें आयुर्वेद में ये चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है कि आयुर्वेद में ओज शब्द से रिलेटेड, मतलब ओज की दृष्टि से रिलेटेड कौन कौन सी व्याधियां बताई हैं, उस पर भी हमें विचार करना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। बाकी मैं अभी जब बता दूंगा उसके बाद में आप लोग भी अपने अपने मत को यहाँ पे बताएंगे। आज मैं अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को भी काम आएगा। दूसरा बात है कि जब ओज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को ऐसा मालूम है कि ओज के बारे में ऐसा बोला है कि ओझ पुनः मधुर स्वभावम, मतलब वो मधुर स्वभाव का रहता है। यत तदा तद यदा रोक्षत वायु कषायत्वेनाभि संसृज्य मूत्राशवे अभिवहति तदा मधुमेहं करोति। ऐसा जब ओज के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि वातज प्रमेय में रुक्ष गुण से प्रकुपित वात है वह मधुर गुणात्मक ओज को दुष्ट करके उसका कषाय गुण में रूपांतर करता है, ऐसे विकृत ओज को मूत्र के साथ निकालता है तब यह मधुमेह हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चरक निदान स्थान फोर्थ चैप्टर जो है मधुमेह का जो निदान है, प्रमेह निदान है, उसमें मधुमेह के अंतर्गत 37 नंबर के श्लोक में बोला गया है। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ओजो दृष्टि के तीन टाइप बताए हैं अपने ग्रंथों में। एक है ओजो व्यापत, एक है ओजो विस्तरंस, एक है ओज क्षय। तो हम ये तीनों बारे में बात करेंगे और इनकी व्याधियों के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद में हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो किस तरह से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए इस पर हम लोग बात करेंगे। ओजो व्यापत के बारे में क्या बताया है कि प्रकुपित दोष से अथवा दोष दुष्ट दोष समूर्छना के वजह से ओजो क्या या फिर समूर्छना होती है या संसर्ग होता है, दोष और दुष्य का संसर्ग होता है, दुष्ट दोषों का
और दुष्यों का, दुष्य मतलब सात धातु तीन मल, इनका संसर्ग की वजह से ओज की दुष्टि होने की वजह से विकृति तैयार हो जाता है। इसकी वजह से पूरे बॉडी में सार्वदेहिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और जो अपर ओज है उसकी विकृति दिखाई देने लगती है। अपर ओज जो पूरे शरीर में आठ बिंदु जो ओज है, अष्ट बिंदुआत्मक ओज है, वो पर ओज है, वो कहाँ है, हमारे हृदय में, लेकिन अपर ओज है वो पूरे शरीर में है। तो जब अपर ओज की विकृति हो जाती है तो उसकी वजह से ओजो व्याप्त हो जाता है। और क्या सिम्टम्स आते हैं, तो स्तब्ध गुरुगात्रता, मतलब शरीर को जड़पन आता है, बहुत ज्यादा गुरुता लगती है। वात शोफो मतलब यहाँ पे वात शोथ उत्पन्न हो जाता है, ऐसा स्वेलिंग आने लगता है जिसमें वात टाइप का रहता है, मतलब पेनफुल स्वेलिंग आने लगता है। फिर उसके बाद में शरीर का हलचल होता है वह आसानी से नहीं हो सकता है, स्तब्धता आती है और गुरुगात्रता होती है। वर्ण भेदो मतलब प्राकृत वर्ण जो है वह शरीर का बदलने लगता है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो गया होता है, तो उनका चेहरे का रौनक है वो डाउन हो जाता है ना, तो उनमें ओजो व्याप्त हो जाता है, ओज की विकृति हो जाती है, ओजो की दुष्टि हो जाती है, और प्राकृत रंग भी बदल जाता है बहुत ज्यादा शुक्र क्षय की वजह से। फिर ग्लानि होती है, तंद्रा होती है और निद्रा होती है, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से मधुमेह में और पांडु रोग में ओजो दुष्टि के बारे में खासकर बताया गया है कि मधुमेह नाम की व्याधि जो है, डायबिटीज मिलाइटस, और पांडु रोग जो ये एनीमिया जो रहता है, उन दोनों में दोष प्रकुपित होके ओज धातु की दुष्टि करते हैं, और उसका समावेश ओजो व्यापक ये विकृति में करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। प्रमेह व्याधि अगर हम लोग देखते हैं तो दोष दुष्य सर्व संग्रह अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या बताए, सात दुष्य बताए, सात चीजें जो होते हैं, जो जलीय तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म में जो अपने दुष्य होते हैं वह विकृत होते हैं। तीन दोष तो है और खासकर कफ दोष रहता है प्रमेह में, लेकिन क्या बताए, कफा सपित्त पवनश्च दोषाः मेदोस्त्र शुकाम्बु वसा शुक्राम्बु वसा लसिकाः मज्जा रसौजः रस ओजः, ऐसे बोला है, पिशतम दुष्या प्रमेहणाम विंशतिरेव मेहा। तो यहाँ पे तीनों दोष कफ पित्त वायु, ये क्रम है, कफ दोष पहले विकृत होता है प्रमेह में, फिर पित्त होता है और वायु होता है। फिर कौन कौन से जलीय धातु जो है वह दूषित होते हैं, तो सबसे पहले मेद धातु के बारे में बोला है, मेद की दुष्टि सबसे पहले होती है, शुक्र धातु की दुष्टि होती है, रक्त धातु की दुष्टि होती है, अंबु की दुष्टि होती है, जितना भी बॉडी में पानी है वह दूषित होता है, वसा और लसिका, वसा मतलब आप लोगों को मालूम है फैट्स का एक टाइप रहता है वसा, और लसिका जो रहता है जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है। और मॉडर्न में भी हम लोग देखेंगे कि जब भी इम्यूनिटी में कुछ ऐसे बिगाड़ होता है तो लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड स्वेल्ड हो जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, एनारोबिक और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है, और सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है, और आईजीजी आईजीएम जो ये रहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उनमें अटैक किया जाता है। तो यहाँ पर लसिका शब्द है, अभी हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है आयुर्वेद के, तो पहले के जमाने में ये सब मालूम था ऋषि मुनि लोग को। तो और मज्जा रस, रस धातु भी होता है, मज्जा धातु भी होता है, और ओज, ये सब दुष्य रहते हैं, और इस तरह से प्रमेह व्याधि होती है, और 20 टाइप्स का प्रमेह होता है। फिर उसके बाद में मधुमेह के बारे में जब बता रहे हैं तो बोल रहे हैं ओजा पुनः मधु स्वभावम, मतलब ओज जो रहता है मधुर स्वभाव का रहता है, यह तदा रुक्षात वायु, जब वायु रुक्षता के वजह से कषाय रस में उसको कन्वर्ट कर देता है, ऐसे तो वो मीठा रहता है ओज, लेकिन उसको कसैला बना देता है, और वह मूत्राशय से आकर और बहते रहता है, और तब यह मधुमेह ऐसा संप्राप्ति बना के ऐसे व्याधि कर देता है। ठीक है, तो यह विकृत ओज है वह मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। भैषज रत्नावली अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे प्रमेह के बहुत टाइप बताए, तो ओजो में ऐसा एक टाइप बताया, लेकिन चरकाचार्य जी ने ओजो में और मधुमेह एक को जोड़ दिया है कि मधुमेह में ही ओज भी शरण होने लगता है। इसी तरह से एक व्याधि है पांडु व्याधि, पांडु मतलब मॉडर्न भाषा में हम लोग एनीमिया बोलते हैं, हमारे आयुर्वेद की भाषा में पांडु व्याधि बोलते हैं। तो इसकी संप्राप्ति जब बताते हैं तो बोलते हैं पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन बहुत ज्यादा कर लिया है, और उसकी वजह से पित्त प्रकुपित हो जाते हैं उष्णता तीक्ष्णता से, और अपने सारे धातुओं का स्वेदन करता है, स्वेदन करने की वजह से धातुओं में रुक्षता आ जाती है, शैथिल्यता लूज पड़ जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं,
और या फिर ओज को कैसे बिगड़ता है? तो ऐसे बोल रहे हैं कि पहले दुष्ट पित्त जो रहता है वह दूसरे दोषों को प्रकोपित करता है, मतलब पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है तो वह कफ को भी दूषित करेगा और वायु को भी दूषित करेगा, और उसके बाद में तीनों प्रकोपित दोष ओज को दूषित करते हैं, और पांडु रोग में प्राकृत बल वर्ण स्नेह का स्नेह आदि गुण जो है वो कम होने लगते हैं। तो पांडु रोग में बल की कमी होती है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है खून की कमी की वजह से, वर्ण कम हो जाता है मतलब वो एकदम भेक वर्णीय बरसाती मेंढक की तरह दिखाई देने लगता है, स्नेहांश की कमी हो जाती है क्योंकि स्वेदन हुआ रहता है, पूरा स्नेह जो है वो निचोड़ लिया जाता है। अब चिकित्सा में दाढ़िमाधिकृत कटुकाधिकृत पहले स्नेहन बोला है, उसके बाद ही शोधन बोल के फिर शमन बोला है, तो यहाँ स्नेह गुण जो होता है वो कम हो जाता है और ओज तो कम हो ही जाता है, इसीलिए रोगी जो रहते हैं वो वैवर्ण दिखाई देने लगता है, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है। शीतलेंद्रिय इंद्रिया जितने भी है अपने, ज्ञान इंद्रिया हो गई पांच और पंच कर्म इंद्रिया हो गई, ये सारी इंद्रिया जो रहती हैं और मन भी मतलब एकादश इंद्रिया जो रहती हैं वो शिथिल हो जाती है, लूज पड़ जाती है, मन भी थका थका रहता है, आंखों से देखने का मन नहीं करता है, कान से सुनने का मन नहीं करता है, ये सब पांडु व्याधि में होती है। आप लोग एनीमिया के पेशेंट को देखिए चिड़चिड़ होता है, और छोटे बच्चों की आवाज से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होता है, शब्द सहिष्णुता भी बहुत ज्यादा होता है, और निस्सार होता है मतलब कोई सार भाग ही नहीं है ऐसा होने लगता है। और इसके बारे में चरक चिकित्सा स्थान में और क्या बताया है, जब हम लोग 16th चैप्टर देखते हैं पांडु चिकित्सा अध्याय में, तो 4 और 5 नंबर का श्लोक क्या बता रहे हैं, पांडु की संप्राप्ति बताते हुए बताते हैं कि दोषा पित्त प्रधान अस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्य धातु नाम गौरवम च उपजायते ततो बलवर्ण स्नेहा ये च अन्य अपयोजसो गुणा व्रजन्ति क्षयम अत्यर्थम दोष दुष्य प्रदूषणात्, मतलब प्रकुपित दोष शरीर के सभी धातुओं को बिगाड़ता है, सभी को दूषित करता है, ये तीनों दोष जो है बात पित्त का, और खासकर पित्त दोष पांडु रोग में पित्त दोष की दुष्टि होती है, और उससे फिर क्या होता है धातुओं को जब वो बिगाड़ने लगता है तो उसकी वजह से सहनन शक्ति कम हो जाती है, जो धातु का अपना बल है वो दुर्बल हो जाते हैं, बल की शक्ति कम हो जाती है, तो शिथिलता निर्माण हो जाती है, लूज पड़ जाते हैं पूरे धातु, और उसके वजह से ओज की उत्पत्ति अच्छे से नहीं हो पाती है, और ओज जो होता है बहुत जब वो विकृत होगा ओज तो वह तुरंत ही तीनों दोषों को और बिगाड़ेगा। इसके बाद में चरक चिकित्सा स्थान 16 चैप्टर जो पांडु चिकित्सा है उसी में 29 नंबर के श्लोक में क्या बताया है कि इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीर्य ओजसी तथा पांडु रोगम करोत्येषु बलवर्णाग्नि नाशनम, मतलब जैसे कि मिट्टी खाने से जो पांडु रोग होता है, मृत भक्षण जन्य पांडु होता है, उसमें जो खाया हुआ मिट्टी है वह दोषों को प्रकोपित करता है, जो जो दोषों को प्रकोपित करेगा और जो जो मिट्टी में जो दोषों को प्रकोपित करने का हेतु है, कसैली मिट्टी होती है, मीठी मिट्टी होती है, खारी मिट्टी होती है, तो जो जो दोष प्रकोपित होते हैं वह सबसे पहले शरीर में जाके मतलब मिट्टी भी जाता है और दोष भी प्रकोपित होते हैं ऐसी मिट्टी खाने से, तो वह ओज को सबसे पहले दुष्ट करते हैं, और रोगी का बल जो है मृद भक्षण जन्य पांडु में बल वर्ण और अग्नि का नाश करता है, तो यह पांडु रोग में खासकर बताया, और प्रमेह में तो ऐसा दिखता ही है, प्रमेह के रोगी जो रहते हैं ना उनका इम्यूनिटी बहुत वीक रहता है, उनको कोई भी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, किडनी फेल्यूर होता है, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी होती है, उनका ओज जो रहता है व्याधि शमत्व शक्ति वह कम हो जाती है, धातुओं में इतना ताकत नहीं रहता है, तो इसीलिए हम लोग चिकित्सा में वसंत कुष्ठ माकर जैसे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं कि जो वहां पे शुगर लेवल को भी कम करे, बैलेंस करे और धातुओं का बल बढ़ाए। एलोपैथी में धातुओं का बल बढ़ाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वह लोग क्या करते हैं और अग्नि भी बढ़ाए क्योंकि स्वर्ण कल्प है उसमें, एलोपैथी साइंस में वो क्या देते हैं कि शुगर कम करने वाला नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, उसमें ऐसी दवाइयां देते हैं ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन, ऐसे और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो शुगर को कम करती हैं, या फिर इंसुलिन देते हैं वो भी शुगर को कम करता है, लेकिन जो धातुओं में शिथिलता आ गई है उसके लिए उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और पेशेंट दवाइयां खाते 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 और मीठा भी खाता है, इंसुलिन भी लेता है या टैबलेट खाते रहता है, बाद में डायबिटीज इतना ज्यादा शरीर में शरीर को धातुओं को नष्ट करता है, धातु पाक होने लगता है, और उसकी वजह से वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, गैंग्रीन जैसे कंडीशन आती है, तो पैर उंगली वगैरह सब काटना पड़ता है,
नेक्रोसिस होने लगता है बहुत ज्यादा, और बहुत बेकार हालत हो जाती है, ये आप लोगों को मालूम है। कहीं ना कहीं जहां जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बताया कि धातुओं को बल देने वाला चिकित्सा देना है, और आयुर्वेद में चिकित्सा में सबसे पहले बताया कि हमें प्रमेह के पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो पहले चार कैटेगरी बताए, स्थूल प्रमेह ही, कृश प्रमेह ही, बलवान प्रमेह ही, और दुर्बल प्रमेह ही। जो स्थूल है और बलवान है उनको शोधन देना है, जो कृश है मतलब पतले हैं बहुत ज्यादा और दुर्बल है उनको शमन चिकित्सा देके पहले धातुओं का बल बढ़ाना है, और जब वो इतने बलवान हो जाए तब शोधन करके फिर शमन चिकित्सा करना। ऐसा हमारा चरक संहिता में खासकर, ये कॉन्सेप्ट एलोपैथी साइंस में नहीं है। वो लोग बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन नहीं सिक्रेट कर रहे हैं, और इंसुलिन नहीं है तो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करता शुगर को, और वो ब्लड में घूमते रहता है ग्लूकोज, और उसकी वजह से शुगर लेवल ज्यादा होता है, और वो ज्यादा रहता है तो ऑर्गन को और पूरे बॉडी को डैमेज करते रहता है, ये चीज बताइए। लेकिन शिथिलता और बल बल इसके बारे में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा क्या है कि मृद भक्षण जन्य पांडु में भी ऐसे ही रहता है, या नॉर्मल पांडु में भी ओज धातु की विकृति रहती है, ये आप लोगों को बता दिया। अब ना दूसरा ओजो, ओज दृष्टि का दूसरा टाइप है ओजो विस्तरण या ओज च्युति। च्युति मतलब ओज गिर जाना। अब ये बता रहे हैं कि शरीर में सभी भाव पदार्थों का, भाव पदार्थों से क्या होता है, अपर ओज को नरिशमेंट मिलता है। हमारा जो पूरे शरीर में अपर ओज है उसको नरिशमेंट कौन देता है, कि जितने भी हमारे भाव पदार्थ है, तो रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा शुक्र, और उनका सार भाग कौन सा है, ओज, उससे नरिशमेंट मिलता है। और यह जो है पूरा ये कार्य कैसे रहता है, हृदय में, हृदय से पूरे सिराओं में ये होता है, सर्कुलेट होता है, ये आप लोगों को मालूम है। हृदय में अष्ट बिंदुत्वक पर ओज रहता है, पूरे बॉडी में अपर ओज रहता है। तो ओज का जब विक्षेपण होता है हृदय से, हृदय में ही ओज का, ये ऐसा बताया सर्वव्यापी है ठीक है, लेकिन विक्षेपण हृदय से होता है। तो जब विक्षेपण हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, उसमें निर्माण होने वाला जो वो जब ये प्रोसेस है, ये होते टाइम अगर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है तो उसकी वजह से ओजो विस्तरण होने लगता है। ये ऐसी व्याधि होती है जिसमें जो विक्षेपण का कार्य है ओज का पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए, वह नहीं हो पाता है। ओजो विस्तरण में विकृत ओज है वह अपने स्थान से निकल ही नहीं पाता है, ये विकृति में ओज जो है प्राकृत ओज निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक रहता है, स्रोतोरोध रहता है। ऐसा एक मत है। दूसरा मत क्या है कि प्रकुपित वायु जो रहता है वो पित्त का उद्गीरण करता है, और वह जो उद्गीरित पित्त है वह पूरे शरीर में जाके धातु स्नेह परंपरा को के जैसे ही, धातु स्नेह परंपरा कैसा है कि धातुओं में स्नेह रहता है और उसी से पोषण होते जाता रहता है, तो वैसे ही सर्व शरीर में ओज जो रहता है, पूरे शरीर में रहने वाला ओज है उसको स्थानच्युत करते हैं, मतलब अपने स्थान से हटाते जाते हैं, और उसके वजह से विकृत होने लगता है। ओज को कौन स्थानच्युत कर रहा है, तो प्रकुपित वायु और पित्त, पित्त दोष च्युत कर रहे हैं, मतलब ओजो च्युत कर रहे हैं, स्थानच्युत कर रहे हैं। कुछ टीकाकारों ने ऐसे बोला है कि हृदयस्थ धातु से, हृदयस्थ धातु से जो हृदयस्थ धातुओं में जो ओज बाहर निकलता है, मतलब तस्मर हृदय विस्त्रंसी च्यावेति, मतलब विस्त्रंस के लक्षण सार्वदेहिक होते हैं और सभी धातुओं में स्नेह रूप, ही अपने स्थान से च्युत हो जाता है, ऐसा दो मत है। फिर इसके वजह से जब ओज विस्तरण होता है तो क्या होता है, सुश्रुत सूत्र स्थान 15 में 26 नंबर का श्लोक में क्या बताया, संधि विश्लेषो गात्राणम सदनम दोष च्यवनम क्रिया संनिरोधस्य विस्तरण से, मतलब इसकी वजह से पूरा शरीर में थकावट बहुत ज्यादा आती है, संधि बंध जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, ना ज्वाइंट्स है ना लूज पड़ने लगते हैं, दोषों का अपने स्वस्थान में जो छोड़ना है और मल को बाहर निकालना है, ये सारी क्रियाएं जो हैं वह रुकावट होने लगती हैं, और पूरा अपना फिजियोलॉजी है वो बिगड़ने लगता है। तो ये ओज विस्तरण या ओज च्युति ऐसा दूसरा टाइप है ओज दृष्टि का। तीसरा बता रहे हैं ओज का क्षय होना, क्वांटिटिवली और क्वालिटेटिवली ओज का क्षय होने लगता है, मतलब लॉस होने लगता है। तो इसके कारण क्या बताए हैं कि ओज क्षय के कारण में बताया है कि व्यायामो अनशनम चिंता, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा चिंता करना, अनशनम मतलब खाना ही ना खाना,
या अल्प आहार खाना, वृक्ष अल्प परमिताशनम, वृक्ष चीजें बहुत ज्यादा खाना, परमिताशनम मतलब नपा तुला बहुत कम कम मात्रा में, कि पूरा दिन में आधा रोटी खा के ही रहना है या फिर उससे भी कम खा के रहना है। फिर बोल रहे हैं वात आतपो भयम शोको, मतलब वायु का सेवन ज्यादा होना, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं भले वो एरोप्लेन से करें, बस से करें, या फिर वो टैक्सी से करें, या फिर अपने बाइक से करें, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करें, वायु का कंटिन्यू सेवन कर रहे हैं, और आतप आतप मतलब धूप का सेवन कर रहे हैं, फिर भय बहुत ज्यादा डर लग रहा है उनको, एंग्जाइटी में कोई ना कोई वजह से, शोक में, शोक के वजह से, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, वृक्ष पानम प्रजाग्रह, वृक्ष अन्नपान का सेवन कर रहे हैं, और रात्रि जागरण बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कफ शोणे शुक्राणाम मलानाम चाति वर्धनम, इसका मतलब यह है कि कोई भी कारणों से धातु क्षय बहुत ज्यादा हो गया है, और शुक्र का और मल का अति प्रवर्तन होना। शुक्र का अति प्रवर्तन कब होता है, कि जब कोई भी इंसान है, स्त्री हो या पुरुष हो, वो जो बहुत ज्यादा मात्रा में शुक्र का क्षय करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मास्टरबेशन करेंगे या फिर मैथुन करेंगे, शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा होता है, प्रवर्तन बहुत ज्यादा होता है, या फिर मल बहुत ज्यादा निकाला जाता है, अब निकाला जाना अतिसार वगैरह हो गया, या फिर बस्ती कंटिन्यू दिया जा रहा है, निरु बस्ती, किसी भी तरह से मल का शुद्धि ज्यादा हो रहा है, या विरेचन का अति योग हो गया, इन सब के वजह से, या फिर कोई भी कारण से धातु क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है। अब वो धातु क्षय हो सकता है कि खाना न खाने से अनुलोम क्षय हो सकता है, या प्रतिलोम क्षय, शुक्र का क्षय ज्यादा करने से, और वार्धक्य बुढ़ापा में ओज क्षय होता है, आदान काल में, अभी हम लोग का आदान काल यहाँ महाराष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि तो बारिश आई नहीं, मानसून आया नहीं, तो आदान काल में भी ओज का क्षय होता है, ये प्राकृत है। दूसरा है भूत और पिशाच का अनुबंध, कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्य क्षय हेतवा, शरीर पे एक्स्ट्रा जो हमें चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, भूत प्रेत और पिशाच का अनुबंध हो जाता है शरीर पर, या फिर मार चोट लगना है, इंजुरी हो जाती है आगंतुक कारणों की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा ध्यान किया, बहुत ज्यादा क्रोध किया, बहुत ज्यादा चिंता किया, ऐसे बहुत सारे मानसिक कारण है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये कंटिन्यू बहुत ज्यादा किया, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसके वजह से ओज का क्षय होता है। तो मतलब पहला हो गया ओजो, ओज विस्तृत नहीं, ओज व्यापत हो गया, ओज व्यापत में कौन सा हो गया, तो पांडु रोग प्रमेह हो गया, उसमें दोष दुष्य संसर्ग की वजह से ओज दुष्ट हो जाता है, हो गया ओजो व्यापत। दूसरा है ओजो विस्तृत, जिसमें कहीं ना कहीं रास्ता का रुकावट हो रहा है, रुकावट की वजह से हृदय से ओज सारे शरीर में नहीं जा रहा है, या पूरे बॉडी से स्थानच्युत हो रहा है, ये हो गया ओजो विस्तृत। और ओज क्षय जो हो गया यहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति है। अब ओज का जब क्षय बहुत ज्यादा होता है, आपके पास भी ऐसे बॉयज या गर्ल्स ऐसे बहुत ज्यादा आती हैं, आएंगी, जिनका शुक्र क्षय बहुत ज्यादा होता है, पॉर्न वीडियोस एडल्ट वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं, तो उनको क्या लक्षण आते हैं, तो चरक सुश्रुत ने अगर देख क्या बताया है कि ओज क्षय के दो अवस्था रहती हैं, चरकाचार्य जी ने जो बताया है उसमें गंभीर लक्षण जो रहते हैं वो कम रहते हैं, लेकिन सुश्रुताचार्य जी ने बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण बताए हैं। तो चरक ने क्या बोला है, बिभेति दुर्बलो अभिक्षणम ध्यायति व्यतितेन्द्रियः दुच्छायो दुर्मना रुक्षा क्षमा जौज सो क्षये, इसका मतलब यह है कि जब ओज क्षय होता है, शुक्र क्षय की वजह से ओज क्षय बहुत ज्यादा होता है, तो रोगी बहुत ज्यादा डरपोक हो जाता है, हर बात में उसको डर लगता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसके इंद्रिय कार्यक्षम नहीं रहते हैं। अब ये अनुलोम क्षय से भी हो सकता है, या प्रतिलोम क्षय से भी हो सकता है, या व्यायाम करने से, अनशन चिंता वृक्ष अल्प प्रमित भोजन खाने से, धूप का सेवन करने से, धूप का वायु का सेवन करने से, भय शोक से, वृक्ष पान करने से, जागरण करने से, बहुत ज्यादा ये कंटिन्यू जब किया जाता है तो इंद्रिय कार्यक्षम नहीं रहती है, मतलब आंखों से देखना कम होने लगता है, देखना नहीं चाहते, फोटोफोबिया होने लगता है, सुनना पसंद नहीं होता है, स्मेल करना इंटरेस्ट नहीं रहता है, हर तरह से इंद्रिया कार्यक्षम नहीं रहती है, मन विकृत हो जाता है और शरीर रुक्ष हो जाता है, यह चरकाचार्य जी ने बताया। लेकिन सुश्रुताचार्य जी ने इस पे और डिटेल में बताया कि गंभीर लक्षण भी आते हैं ओज क्षय जब होता है, तो क्या बोला है, मूर्छा मांस क्षयो मोहा प्रबलापो पर मरण मिति च क्षय, मतलब मूर्छा आती है, मांस का क्षय होने लगता है। आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मैथुन करते हैं अति मात्रा में, और खान पान उनका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनका वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, और टीबी में या एड्स में वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है ना,
या फिर रक्त का इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर एलोपैथी की दवाइयों का सेवन बहुत ज्यादा हुआ, साइड इफेक्ट हो गया, उससे महाशय बहुत ज्यादा होता है, ओजस्य बहुत ज्यादा होता है। फिर मोह में रहते हैं वो लोग, मतलब हमेशा डिलीरियम में रहेंगे, प्रलाप करते रहेंगे, इरिलेवेंट टॉकिंग करेंगे, सुध बुध नहीं है लेकिन वो टॉकिंग कर रहे हैं, उनको ऐसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है लेकिन इरिलेवेंट टॉकिंग कर रहे हैं। और मृत्यु, ऐसा गंभीर लक्षण बताया, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक मेरे पास मुस्लिम पेशेंट आए थे, उनका नया नया शादी हुआ था, तो पहले वो हेल्दी थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जो उनकी वाइफ थी उनको 6 बार, 6 से 10 बार रोज मैथुन लगता था, जिसको हम लोग बोलते हैं अत्यानंदा योनि व्यापक, जो सुश्रुत संहिता में बताया कि मतलब उनको ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होता था, तो अत्यानंदा योनि व्यापक, वो असाध्य व्याधि है। तो आपने हस्बैंड को इतना फोर्स कर दी थी, तो शादी के बाद वो तुरंत 1 महीने बाद आए, तो वो इतना दुर्बल हो गए थे, इतना कमजोर हो गए थे। तो मेरे पास आए तो मैंने सारे ओजस्य के लक्षण देखे, महाशय, मोह, फिर उनको कभी कभी चक्कर आता था, तो मैंने उनसे पूरा हिस्ट्री पूछा, तो उन्होंने यही बता दिया कि मेरी वाइफ को ज्यादा लगता है। बाद में उनका अटैक आया और मृत्यु हो गई। तो जो हमारे आयुर्वेद में बताया कि पर ओज हृदय में रहता है, अष्टबिंदुवात्मक ओज रहता है, अब ओज ही पूरा क्षय हो जाएगा तो मृत्यु होना निश्चित है। और यही चीज बोला जाता है आयुर्वेद में कि ब्रह्मचर्य का कितना महत्व रहता है, जितना ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उतना ओज हमारे शरीर में टीका रहता है, व्याधि शमत्व, व्याधि प्रतिकार शक्ति बढ़ी रहती है। जितना शुक्र क्षय करेंगे, तो शुक्र क्षय करते रहे करते रहे करते रहे, तो एक दिन मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पर ओज का नाश हो जाता है। अपर ओज का नाश होगा तो वो खाने पीने से बन जाएगा, लेकिन पर ओज का, अष्ट बिंदु वाला जो ओज है हृदय का, वो भी नष्ट हो गया तो डेथ, मृत्यु, ऐसा बताया। फिर ये बात पे और क्या बता रहे हैं, ओजो विस्तरण से यस्य पित्ता नील समुष्या, इसका मतलब स गात्र स्तंभ शीताभ्याम शैने अप्सुर चेतना, सुषुत संहिता में उत्तर तंत्र में 39 नंबर का अध्याय में 43 नंबर का श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सन्निपात ज्वर में भी ओज का इतना क्षय होता है, इतना क्षय होता है कि हतौजस नाम का एक व्याधि हो जाता है। सन्निपात ज्वर में, मतलब सन्निपात ज्वर मतलब वातपित्त कफ तीनों पावरफुल है, और उससे उत्पन्न होने वाले ओजो विस्तरण होता है वह इतना डेंजरस होता है कि ओज का नाश हो गया है और उसे संन्यास होता है, मतलब पेशेंट जो है वह कोमा में चला जाता है और प्रलाप करता है, इनरेलीवेंट टॉकिंग करता है, निश्चेष्ट बन जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसे शरीर के बहुत भयानक भयानक लक्षण हो जाते हैं, और ओज शय ये जो है यह हतौजस, ऐसा बताया गया है सुश्रुत संहिता में। और अभी जो है हम लोग जो खान पान, दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो भी हम आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि का कॉन्सेप्ट हम सब बताते हैं, या हम ओज को बढ़ाने का बताते हैं। तो पहले के जमाने में ऋषि मुनि थे, वह 5-5 हजार साल तक जीते थे, ऐसा बहुत जगह उल्लेख है। लेकिन आजकल क्या है कि हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक का क्या कारण बताया जाता है कि डिसलिपिडिमिया हो गया, मतलब लिपिड ज्यादा बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, एलोपैथी साइंस अपना साइंस के हिसाब से बता रहा है, लेकिन आयुर्वेद में ओजस्य इस पे बात होनी चाहिए कि ओजस्य ज्यादा हुआ तो अष्ट बिंदुवात्मक ओज जो है उसका वो नष्ट होने से तुरंत ही हृदय बंद हो जाता है और हार्ट अटैक आके इंसान मर जाता है। ठीक है, अब आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अनुभव है तो बोलिए, किसी को बोलना है। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी ये टॉपिक पे? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, 1 मिनट, अनम्यूट कर पा रही हैं कि नहीं? अच्छा, नहीं कर पा रही, 1 मिनट रुके। हाँ, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप ओजस्य पे कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी मेरे पास बल्कि कुछ दिन पहले एक पेशेंट का फोन आया था, मोस्टली शायद उनको एड्स हो गया था, फिर अभी दोबारा नहीं आया, तो मैंने सोचा भी था कि जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं आपसे मतलब लूंगी गाइडेंस, क्योंकि एड्स वोड्स के पेशेंट को तो अभी तक हाथ नहीं लगाया था। और वो छह का तो है कि ये बात सही है, जितना जितना बढ़िया ओज रहेगा उतना व्याधि प्रतिरोधक क्षमता होगी, बीमारी उत्तरण क्षमता होगी। और मेजोरिटी डिसीज में जैसे आपने बताया डायबिटीज वगैरह है, इन सब में जितनी ऑटो इम्यून डिसीज होती है उन सारे में व्याधि क्षमता तो बल ही तो कमजोर होता है। जिन लोग को बहुत जल्दी मौसम चेंज होने पर सर्दी जुकाम होते हैं तो उन सब का भी वही व्याधि क्षमता तो शक्ति की कमी होती है, तो आयुर्वेद वहां पर तो बहुत बढ़िया काम करता है। पहले लोग जानते भी थे और अभी की जनरेशन मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम इन चीजों में जानती है। कुछ कुछ लोग बस व्याधि क्षमता के नाम पर जानते हैं, गिलोय वगैरह खाना है,
तो आपने सर बहुत अच्छा बताया। अभी जब आएगा पेशेंट तो सर मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो तो फिर काफी क्रिटिकल कंडीशंस होती है, जैसे एड्स वगैरह के केसेस हैं या बिल्कुल लास्ट स्टेजेस होती है और भी बीमारी हो, तो सब में व्याधि छिन्न तो सकती ही तो चली जाती है, जो बीमारी हो भी फिर ठीक नहीं हो पाती, तो ये चीज रहती है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर आदित्य सर, आपको कुछ बोलना है इम्यूनिटी पे, इम्यूनोग्लोबुलिन, आपका जो वेस्टर्न साइंस है उस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट बताइए। सर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ब्लड में हम बोलते हैं ह्यूमर है, या मतलब ऐसे फैक्टर्स है रक्त में। एक तो मैं पहले बताना चाहूंगा इसके पहले कि जैसे जब मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता था तो जो एक्चुअली में जो सेल्स होते हैं ना, जिनसे पूरे बॉडी के वो बनते हैं, मतलब सारे सेल्स, हम जैसे कैंसर हुआ, हम हाई डोज कीमो देते हैं और सारे सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो क्या पेशेंट को फिल्टर्ड एरिया में रखते हैं। और जो हम उसको स्टेम सेल चढ़ाते हैं ना, अगर एक्चुअली में उसकी वॉल्यूम देखे तो 1 ml से भी कम रहती है, सफेद सफेद रंग के रहते हैं वो, मतलब लाल खून से छनने के बाद अगर सारा लाल खून हटा दिया, रेड ब्लड सेल्स, तो सफेद रंग के वो रहते हैं और 1 ml से भी कम रहती है वो। इस तरह से बॉडी में फैल जाते हैं सब जगह, फिर वो पूरे नए सेल्स बना देते हैं। तो ये हेल्दी व्यक्ति से लेते हैं स्टेम सेल्स इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इसका मेरे ख्याल से शुक्र या ओज धातु से रिलेशन होगा। और दूसरी चीज सर ये पूछना था मेरे को कि जैसे जैसे अश्वगंधा है, वो हृदय पे एक वो मतलब एक बल टाइप का आघात डालती है, कि आघात बोलना गलत शब्द है, बल टाइप का जो आघात नहीं, बल स्ट्रेंथ है, देती है, स्ट्रेंथ हाँ बल देती है। देती है, मतलब धक जैसे लेते ना हाँ तो वो हार्ट इस तरह से धड़कता है कि, लेकिन उसका मतलब किस तरीके से, अलग अलग ओज, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग ओज है हाँ तो जो या चीजें धातु। शुक्र बढ़ाती हैं, जो चीजें शुक्र बढ़ाती हैं, ओज बढ़ाती हैं, वो लोग वो चीजें हम देते हैं ना, ऐसा ओजो वर्धक, जैसे बंग भस्म देते हैं, स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं, सिद्ध मकर ध्वज देते हैं, अश्वगंधा देते हैं, शतावरी देते हैं, ये ओज को बढ़ाने वाली चीजें हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हैं। जी सर, तो ओज वर्धक जितनी औषधियां हमारे पास मतलब अवेलेबल है, कौन कौन से, जैसे जैसे गूगल के और आपने लिए थे ना नेचुरल सर, है नाइन ये सर, सारे नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी को जितना चाहिए उतना एक्सेप्ट करे, बाकी सब निकल जाएगा अपने आप, जी सर, यूरिन और सर स्टूल जैसे से। आपने गूगल की 93 कल्पों का वो लिया था ना क्लास, इसी तरीके से ओज वर्धक अगर कोई क्लास हो तो, या शायद पहले ले चुके होंगे। जी जी मैं करूंगा, मैं करूंगा। ठीक थैंक यू। है सर, वो इम्यूनोग्लोबुलिन का भी कॉन्सेप्ट हाँ सर बताइए। सॉरी, इम्यूनोग्लोबुलिन सर क्या होता है कि जो हेल्दी लोगों को हम कोई बाहर से एंटीजन बोले या आम बोले जब दे देते हैं, तो वो उसके खिलाफ वो आम पाचन की तरह वो रक्त में वो एंटीबॉडीज बना लेता है। और फिर जैसे अब सपोज हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, अब हमने हेल्दी डोनर को या हेल्दी इंडिविजुअल को हमने वैक्सीन लगाई तो उसमें एंटी हेपेटाइटिस बी के एंटीबॉडीज बना ली। और अब जब कोई पेशेंट है जिसकी अग्नि कम है, उसको हेपेटाइटिस बी हो गया, तो हम वो इम्यूनोग्लोबुलिन को रक्त में मतलब ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ये बहुत महंगे पड़ते हैं, 1 ग्राम मतलब काफी महंगे पड़ते हैं, मतलब 60 ग्राम के आसपास डोज रहती है, 1 ग्राम पर किलोग्राम, तो लाख 2 लाख के पड़ते हैं सर इस वजह से। जी तो ये हेल्दी लोग ही बनाते हैं, अपनी अग्नि से बनाते हैं, और हम उनको अनहेल्दी लोगों को देते हैं इस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन। तो कई बीमारियों में जहाँ पे जो आम का संचय होता है, जैसे जैसे आपने कल अच्छी हिस्ट्री ली थी इस तरीके से, जैसे का जैसे रक्त रक्त में अगर कोई परेशानी है, रक्तगत ज्वर, या कहीं जैसे सॉफ्ट टिश्यू में, मांस में परेशानी है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन का थोड़ा बहुत रोल रहता है, कभी कभार वो हेल्प भी करता है किसी किसी को इस तरीके से, एक्यूट कंडीशन। क्रोनिक में जब वो वहां पे बैठ गया तब नहीं हो पाता है, जैसे ITP है तो मतलब इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो फिर हम जैसे IVIG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो कोई कोई खासतौर से बच्चों में जहाँ अग्नि अच्छी रहती है तो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जी सर, जी, एक तरह से बहुत अच्छा आम सर पाचन आइडिया। जैसे आप कर सकते हैं, जैसे कि वो रक्त पाचन, जैसे बॉडी इस तरीके से बनाती है कि वो हेल्दी लोग कि वो उसका पाचन की मदद कर। जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है ओज से रिलेटेड? आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं कि किसी का बहुत ज्यादा शुक्राशय हो गया और फिर वो बहुत सारा व्याधि हो गया, या तो टीबी हो गया या फिर एड्स हो गया, ऐसा आप लोगों ने देखा है तो बताइए। तकदीर जी आप कुछ बताना चाहेंगे? विनीता मैम, वर्षा कौशिक मैम, गंगवार सर, कुछ बोलिए आप हेलो। लोग। जी सर बताइए। हाँ सर, हाँ सर, तो आप जिसका एक 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 करके पहले तकदीर जी बोल लीजिए। हाँ सर, जिसका सर वीरेसिन होता है और ओजस कम होने लग जाता है ना, उनके चेहरे से अलग सा पता लग जाता है। जी
बहुत ही सर, दूर से देखोगे ना सर, उनका चेहरा अलग से ही कालेपन में होगा, चेहरे की चमक खत्म हुई होगी, आंखों में रोशनी या चमक होती है वो खत्म हुई होगी, बॉडी आदमी कभी भी बैठा हुआ हैप्पी नहीं लगेगा, अगर वो हंस ही रहा है ना, ऐसा लगेगा कि नकली हंस रहा होता ठीक है। और आप क्या मेडिसिन क्या देते हैं सर? है सर, इसमें तो हम सर विक्स की दवाई देते हैं, ये बढ़ाने वाली सभी, अश्वगंधा, सावर, मुसली, कोस बीज, और साथ में सर पाचन शक्ति ठीक करने लिए देते हैं, क्योंकि जिनका ज्यादा हो जाए क्या हो जाता है, उनको एसिडिटी बहुत होती है, क्योंकि ये शुक्र जी होता है वो सर एक तरह से बॉडी के अंदर पित्त को कम करता है, और जिनके जो क्षीण होने लग जाता है उनके बॉडी में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी और उष्णता भी बढ़ जाती है, तो फिर उनको सर घी का सेवन जरूरी कह देते हैं और पाचन शक्ति ठीक करने वाली मेडिसिन साथ में चलती है। जी लेकिन सर इसमें ये होता है कि हमें साथ में सावर सेब मुसली वगैरह डालनी ही पड़ती है, अगर हम नहीं देंगे तो उनके अंदर बॉडी के अंदर पहले ही इतना कमी होती है, हमें होता है कि चाहे थोड़ा सा ही बॉडी में अब्जॉर्ब हो, थोड़ा सा वो साथ में बढ़ना शुरू करेगा जी बॉडी के अंदर। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब गंगवार सर आप कृपया बताइए सर। सर जो मधुमेह के कारण ओजस हो जाता है उसमें क्या करना चाहिए सर? मधुमेह के वजह, इसलिए तो हम लोग वसंत कुसुमाकर, वंग भस्म, स्वर्ण मक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म ये सब क्यों देते हैं? वसंत कुसुमाकर में है ही वो सारा चीज। सर इसमें क्या कहते हैं कि हम अश्वगंधा सतावर दे सकते हैं क्या सर? क्यों नहीं दे सकते, हम देना ही है, ओज को बढ़ाने वाले दवाइयां देनी पड़ती है, पांडु रोग में भी देना पड़ता है और हमें प्रमेह में भी देना पड़ता है। आप स्वर्ण कल्प है ना हमारा, वसंत कुसुमाकर है ना, सिद्ध मकरगढ़। अच्छा आप लोग को याद है कोरोना टाइम में हम लोग यहाँ आयुष दर्पण पे बात करते थे तो हम लोग स्वर्ण कल्प देते थे, जैसे कि लक्ष्मी विलास रस, त्रैलोक के चिंतामणि रस, तो हम लोग ओज पे ज्यादा काम किए उस टाइम पे, तो जिन जिन लोगों को दिया जो कोरोना के एकदम लास्ट स्टेज में थे वो लोग भी बच के निकल गए, ठीक हो गए, वो पूरा ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया। हमने 7-8 ऐसे फॉर्मूला बनाया था याद है, वो अरविंद सक्सेना सर आते थे और सब लोग आते थे, हम लोगों ने कितने लोगों को बचाया यहाँ पे आयुर्वेद से कोरोना टाइम में। तो ओज ओज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना इंसान ओजस्वी रहेगा उतना दीर्घायु रहेगा, ओज का क्षय होगा तो फिर वो मृत्यु की तरफ जाएगा। और जो हमारे रसायन चिकित्सा है, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान का जो 4 चैप्टर है उसमें जितने रसायन है वो हमारे सातों धातुओं को बल देने के साथ, उनको नरिशमेंट करने के साथ ओज पे काम करने वाली सारी दवाइयां हैं। आप लोग देखिए आमलकी रसायन, त्रिफला रसायन, ब्रह्म रसायन, इंद्र रसायन, भल्लातक रसायन, लौह रसायन, शिलाजतु रसायन, तो हम लोग देते हैं ना शिलाजतवादी लौह, इसमें डायबिटीज मिलाइटिस में, मधुमेह में शिलाजित का इतना ज्यादा महत्व है ना ओज बढ़ाने में, है ना। बाकी आप लोग बताइए कुछ, आप सब लोग करते हैं ओज पे चिकित्सा, जो भी क्रॉनिक पेशेंट होते हैं ना और चैलेंजिंग केसेस सब लोग करते हैं। गीता पटेल मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे, या शैलजा आनंद मैम, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहेंगे? प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए मैम। प्रणाम सर। हाँ सर, जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उसमें ओज है तो होता ही है धीरे धीरे करके। मेरे पास एक ल्यूकोरिया की जो पेशेंट है, सोम रोग कहना चाहिए, तो उसको पिछले 6-7 सालों से ये प्रॉब्लम थी, तो उसके शरीर में तो कितना ज्यादा ओज है, मतलब एकदम तेज था ही नहीं चेहरे पे और बहुत टेंशन में रहती थी, तो उसको ज्यादा तो अलग से कुछ नहीं दिया था, स्वर्ण मालिनी वसंत नहीं देके लघु मालिनी वसंत उसको ज्यादा चलाया था, शुरू में 1 महीने बस स्वर्ण मालिनी वसंत दिया है, अभी तो काफी ठीक है वो पहले से। जी बहुत अच्छा। और सर ये अश्वगंधा वगैरह जितनी भी बलवर्धक औषधियां होती हैं वो भी तो सब ओज, मतलब ओज वर्धन ही करती हैं कहीं ना कहीं से, तो जब तक ओज का अच्छे से नहीं मतलब प्रॉपर बनता है तब तक उनकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेशेंट हो जो क्रोनिक हो जाते हैं उनकी वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाती जी, मुझे ऐसा लगता है। सही है सर कि नहीं? आपका बात सही है, ऐसे ही होता है। हाँ तो आप लोगों ने ऐसे ओज शय के पेशेंट देखे होंगे,
ओजो व्यापक के प्रमेय पांडु रोग के देखे होंगे, फिर ओज विस्तरण के भी देखे होंगे जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, वैसे भी पेशेंट देखे होंगे कि ओज है लेकिन वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, ऐसे भी बहुत सारी व्याधियां हैं। हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, तो और अच्छे से आप लोग को और पता चलेगा, ठीक है। बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्रशांत भट्ट जी, विनीता चौहान मैम, अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ बोलिए आप लोग। प्रणाम सर। हाँ सर बताइए सर। सर बहुत अच्छा टॉपिक था, हालांकि मैं सुन नहीं पाया, लेट ज्वाइन हुआ। ओज है मतलब ये तो सर बहुत ज्यादा, खासकर जो मेल है, जो पुरुष वर्ग है उसमें तो ये बहुत ज्यादा ये प्रवृत्ति, मतलब आज के जनरेशन को देखें अपन और आज के माहौल को देखें कि इतना मतलब सब कुछ ओपन हो गया है, तो इसमें मतलब मैंने काफी पेशेंट देखे जो मतलब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के या आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, उसमें उनका हस्तमैथुन का हिस्ट्री मतलब हेतु मुझे काफी मिला, और वो बचपन से अपना मतलब गलत तरीके से अपने वीर का नाश करते थे जिससे उनका उनके अस्थि धातु का क्षय हुआ, तो ये बड़ा कॉमन है मतलब देखना देखा। दूसरा मैंने एक पेशेंट और मैंने डिस्कस हुआ था, जब बताया था मैंने अपना एक पेशेंट था मेरा एवीएन का, उसमें भी जब मैंने हेतु निकाले थे तो वो बहुत लड़का मतलब इस टाइप का था, काफी पैसों वाले थे और रियाज टाइप के थे, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी काफी, मतलब उस एज में जब शुक्र अच्छे से परिपक्व भी नहीं हो पाता था, और तब से उसने अपने शुक्र का नाश करना शुरू किया, और उसको बाद में जाके 32 साल की उम्र में उसको एवीएन हुआ। तो ये मतलब वो जो क्षय से मतलब हर तरीके का, और एक ये हार्ट वाला भी जो आपने बताया मैंने ये भी देखा है, मैंने आप देख अपन देखते हैं सर कई बार कि एक यंग एज में हार्ट अटैक आ गया, या 35 साल की उम्र 36 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो कहीं ना कहीं उनका परोप मतलब कहीं ना कहीं उनका उसमें ओज छह मतलब शुक्र छह का तो मतलब इतिहास रहता ही रहता है कि वो इतना ज्यादा शुक्र छह कर लेते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशंस बनती हैं। जी सर जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ सर, एक ऐसे पेशेंट और भी रहते हैं जो जैसा सर ने बताया कि मतलब बचपन से लगभग 15-16 साल से जो लोग ऐसे करते हैं, तो मानसिक रोगी ऐसे मैंने दो देखे हैं, साइजोफ्रेनिया के समझ लीजिए, करेक्ट भी नहीं हुए, मतलब वो लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही उन लोगों ने लिया, शॉक वॉक भी दिया गया उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो लास्ट तक धातु क्षय तो बना ही रहा। सही बताया आपने, माइंड पे भी तो असर होता ही है। जी सर, शुरुआत इन्हीं कारणों से हुई थी उन लोगों की, दोनों ही पेशेंट की, दोनों की मतलब जो प्रेजेंट कंडीशन में जो बहुत ज्यादा वो लोग एक्साइटेड और बहुत अजीब टाइप का बिहेव कर रहे थे, उनका शुरुआत जो हिस्ट्री ली थी तो वो यही कारण था उन लोग का। जी जी सर, बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। ये जो जो छोटा छोटा चीज बताते हैं ना आप लोग, ये हमें एक दृष्टिकोण देता है पेशेंट को देखने का। हाँ वर्षा मैम कुछ और बोलना चाहती है? नहीं सर बस ठीक है। सर अभी ईडी के जो पेशेंट होते हैं उनका भी कारण शुरुआत यही हुई है, तो उनमें अपन को क्या देना है मतलब? ईडी में भी देखिए, वो ईडी भी होता है तो कभी कभी डायबिटीज ज्यादा होने की वजह से होता है, मधुमेह जन्य? नहीं सर, मधुमेह जन्य नहीं है, अभी उसकी यंग एज है वो भी पेशेंट, और उसका कारण भी यही है, मतलब एक्सेस मैस्टर्बेशन और ऐसे पॉर्न वीडियो वगैरह देखना, शादी से पहले से ही उसको ईडी की प्रॉब्लम हो गई। तो यही है ना, शुक्र क्षय धातु का क्षय हो रहा है, तो हमें एक तो उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, मन से शरीर से हर तरह से वो अलग रहे, चेंज करना पड़ेगा हमें, आहार रसायन में भी काम करना पड़ेगा, और शुक्र शोधन गण, पूरा शरीर का शुद्धि, मन का शुद्धि सब करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो हेतु सेवन होते रहेगा तो क्या फायदा। जी सर, ऐसे पेशेंट जो आप बता रही है ना, ऐसे पेशेंटों में सबसे पहले तो उनका आप डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करो, ऐसे पेशेंट अम्ल पित्त के शिकार होते हैं, ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, और बाकी ये सब चीजें तो हैं जो, तो ये हेतु जो आप बता रही हैं ये सब बंद करो, और ऐसे केसों में आप जब भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले तो अम्ल पित्त और कॉन्स्टिपेशन मतलब वो दीपन पाचन वातानुलोमन करके
आपको यहाँ पे वीरवर्धक दवाइयां देनी है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय, मुलैठी, ताल मखाना, ठीक है, इस टाइप का वीरवर्धक पौष्टिक चूर्ण दें खाने के लिए, करीबन 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ। और यहाँ पे सबसे अच्छी दवाई है सिद्ध मकर ध्वज, उसको आप एक रत्ती की मात्रा में एक एक गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं। पुष्प घनवा रस यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, और आपका आरोग्यवर्धिनी बटी दे सकते हैं आप यहाँ पे, आप अश्वगंधा शिलाजीत सारा पाता है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे, और लोकल एप्लीकेशन के लिए आप गोपाल तेल आता है, इसको आप जी जी लगाने के लिए दें, हाँ तो इससे ठीक हो जाता है। और ट्रीटमेंट के दौरान मतलब हेतु सेवन तो बंद करने करना है, लेकिन यदि मैरिड है लड़का तो उसको साफ साफ बोल दो कि भाई तुम्हें 2 महीने 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि वीर पूरी तरह वीर को पुष्ट करने में करीबन 3 महीने का समय लगता है, 2 से 3 महीने, तो इस बीच में यदि दवाई लेके वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हाँ तो यदि दवाई लेके ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसको एक बार ही परमिशन दें आप महीने में कि आपको एक बार करना है, अदरवाइज आपको बाकी दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत सारे हैं मेरे पास। जी 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 सर, थैंक यू सर। जी जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो? अच्छा प्रशांत भट्ट जी, आपने वो केस शुरू कर दिया कल जो आए थे हम केस टेकिंग वाले? सर कल शुरू होगा, कल से शाम से शुरू हो जाएगा उसको, कल पहली वेतन व्यवस्था दूंगा सर मैं, और भी ट्रीटमेंट को अपडेट कर देंगे कल, पूरा जो डिस्कशन हुआ हुआ अपना कल जी। तो कल से शुरू कर रहे हैं मतलब वेतन व्यवस्था, 7 डेज देंगे अभी, फिर बीच में गैप करेंगे 1 महीने का जी। हमें लगता है 7 डेज देने पे ही बहुत आराम हो जाएगा उसको बराबर, और उसमें आपने बताई है रस पाचक और मांस पाचक मिला के, और पुनर्वार का काढ़ा हो जैसे पूरा देंगे सर उसको, और अभी ठीक है, आज बात हुई उनकी फोन पे, तो वो जो आम पाचक बड्डी बढ़िया काम कर रही है, करीबन उसको 10 दिन हो गए देते हुए, 3-3 गोली सुबह शाम ले रहा है, तो ठीक है, आज उनका फोन आया था क्योंकि आज उनको पेन नहीं है बिल्कुल, और बढ़िया उठा, अच्छे से खाना भी खाया, दिन भर खेलता भी रहा, तो दवाई तो काम कर रही है धीमे धीमे, और 2 दिन पहले त्रिभुवन कीर्ति रस भी ऐड किया था 3 दिन पहले जी। तो अभी 2 दिन से उसको फीवर भी नहीं आया। बहुत बढ़िया, अभी आपको पूरा ठीक करना है उनको, परमानेंट ठीक करना है, और फिर लाइफ में कभी नहीं होगा ऐसा ठीक करना है। नहीं नहीं बढ़िया सर, वो कल बहुत कल का डिस्कशन वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ कंफ्यूजन चल रहा था आम बात और संधि बात और वात रक्त पे, और जो कल आपने जो मासगत ज्वर जो डायग्नोसिस आपने बनाया है वो बाकी में बहुत मतलब वो तो बन ही नहीं पा रहा था, और वो ही मेन है अपन को, वो आपने बोला ना कि पाचक पे काम करना है, पाचक पाचक ज्यादा देना है, और तो उसी को लेके हम शुरू करेंगे कल से। जी सर ठीक है सर, फिर बताइएगा, बहुत मजा आएगा जी। ठीक है, थैंक यू आपका, सभी लोगों को थैंक यू। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थोड़ा ब्रेक के बाद हम लोग फिर मिलते हैं 8:15 पे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।